अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सो कुछ सेकंड के लिए इमेजिन करें कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर हो या जिस इंसान से भी आप मोहब्बत करते हैं, उसको आप इस दुनिया में भी छोटी सी भी मुश्किल में या परेशानी में या मुसीबत में सोच सकते हैं, किसी तकलीफ में इमेजिन कर सकते हैं, नहीं ना। तो खुद सोचें, क्या आप अपने अपनों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को जन्नत में नहीं लेके जाना चाहते, जन्नत में नहीं देखना चाहते? आप तो नहीं चाहेंगे ना कि वो जहन्नुम में जाए, राइट? तो उसके लिए हमारा ये फर्ज बनता है, ये रिमाइंडर है सबके लिए कि आप उन्हें नमाज का हुक्म दें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार दें। क्योंकि कुछ उलमा का ये कहना है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है और उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसका नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं है। तो देखें, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, और जब नमाज सही होगी तभी बाकी चीज़ें सही होंगी। दुनिया की चीज़ें अचीव कर लेना कोई कामयाबी नहीं है, कुछ पल की हो सकती है, पर जो असल कामयाबी है, जो जन्नत मिलना है, अपनों को साथ में जन्नत लेकर जाना है, वो सिर्फ देखें सबसे पहले नमाज से है। तो अपने घर वालों को प्लीज़ नमाज का हुक्म दें और बार बार दें, क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है अगर हम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो। और आप नमाज, जो भी ये देख रहा है वीडियो, अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो प्लीज़ नमाज पढ़ना अभी से शुरू कर दें, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो।